प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांचवें केदारनाथ दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गईं। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री केदारनाथ की पूजा करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसे देखते हुए बीजेपी ने इस दिवाली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी झलक फूलों से चमकते दमकते केदारनाथ धाम में दिखी। रात की जगमग रोशनी में बेशुमार फूलों से सजे केदारनाथ धाम की छटा ने श्रद्धालुओं को अभी से मंत्रमुग्ध कर दिया। देवस्थानम बोर्ड भी प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए किसी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री इस द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो 11वां ज्योतिर्लिंग है भगवान केदारनाथ का, यहां पर दर्शन करने आ रहे। उत्तराखंड सरकार ने दिवाली के वक्त हो रहे पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने पर पूरा जोर लगा दिया और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। केदार बाबा की जय। अब तक की तैयारियों से संतुष्ट दिखे मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रमों का भी ब्यौरा दिया। शंकराचार्य जी की समाधि जो बनी है, उनकी प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री जी करेंगे। सरस्वती घाट बने हैं, उनका करेंगे। बताया गया कि 400 करोड़ की प्रस्तावित योजनाओं में करीब 250 करोड़ की योजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए सभी कार्यक्रमों का वक्त तय है, जिसकी शुरुआत केदारनाथ धाम से होगी, जहां शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:35 पर पीएम आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वो वहां 2013 में आई बाढ़ से हुई तबाही के बाद शुरू किए गए निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और फिर सुबह 9:40 पर केदारनाथ से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तेज होती आहट के बीच उन्हें एक जनसभा को भी संबोधित करना है। सौबात की एक बात यह कि केदारनाथ में 8 साल पहले जो तबाही आई थी, उसमें आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी मूर्ति बह गई थी, जिसे अब नए सिरे से बनाया जा चुका है और वहां आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित हो गई है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी दिवाली के अगले दिन करने वाले हैं। और खबर है कि पीएम का स्वागत करने के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित भी मान गए हैं, जो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और इसी हफ्ते उन्होंने राज्य के पूर्व सीएम को केदारनाथ से लौटने को मजबूर कर दिया था।